नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। खबर आजमगढ़ से है। जिस तरह से किसान बिल को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन को आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने एक सिरे से खारिज कर दिया और बताया कि विपक्षियों की एक सोची समझी चाल है और किसानों को गुमराह कर इस तरह से आंदोलन कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष और संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह ने किसान बिल को लेकर हो रहे आंदोलन पर विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि यह विपक्षियों की एक सोची समझी चाल है और भोले भाले किसानों को गुमराह कर आंदोलन कराया जा रहा है, जबकि किसान बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसानों का कोई नुकसान हो सके। किसान बिल को समझने की बात है कि किसान इसे समझे कि आखिर किसान बिल है क्या, किसी राजनीतिक दबाव में ना आए। पूर्व जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि कुछ राजनीतिक लोगों का मंडियों पर कब्जा होता है, इस बिल के पारित होने से उन मंडियों से उनका कब्जा हट जाएगा, उसी को लेकर लोग घबरा गए हैं और किसानों को उकसा कर इस तरह के आंदोलन करवा रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि विपक्षियों का निशाना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वह उन्हें हराना चाहते हैं, जबकि यह बिल पास होने से किसानों का ही लाभ है, इससे बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट। ने अपने कई कार्यक्रमों में स्पष्ट किया है कि किसान बिल देश के किसानों के लिए जीवन धारा साबित होने वाला है। बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि संसद में कपिल सिब्बल और ये शरद पवार और ये कांग्रेस के नेता बार बार आग्रह करते थे, अपनी ही सरकार, उन्हीं की सरकार थी, संसद में खड़े होकर कहते थे किसानों को ओपन मार्केट दिया जाए, किसानों को मंडी से किनारे किया जाए, मंडियों में ब्लैकमेलिंग होती है, ओपन मार्केट की मांग करते थे। आज जब ओपन मार्केट हो गई तो विरोध कर रहे हैं, ये क्यों संग तमाशा है? एक बार हम उसके पक्ष में बोलते हैं, एक बार उसके विरोध में बोलते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने इस बिल का पूरी तौर पर समर्थन किया है, उनका उसका वीडियो भी चल रहा है। जब उनके परिवार के बादल परिवार ने उनको समझाया कि ये तो हम लोगों का नुकसान हो रहा है, तो तुरंत इस्तीफा लिए चली गई प्रधानमंत्री जी के पास और प्रधानमंत्री जी ने उनसे कोई बात नहीं की, चुपचाप उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और अब उसके उल्टा बोल रहे हैं, ये सब क्या है? मैं तो जो जानता हूं कि पंजाब की जो मंडियां हैं वो बादल परिवार और कांग्रेसियों के कब्जे में है और उनको अपना प्रदेश दिखाई दे रहा, रोज का खूब लंबा धन आने वाला वो दिखाई दे रहा। मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि किसान अपना माल खरीद के, जैसे सब्जी है, सब्जी को पैदा करता है, मंडी में लेके जाता है, मंडी के जो बैठे हुए ठेकेदार हैं, जो अड्डी वाले हैं, जो रेट बताएंगे वो मजबूर है देने पर। अगर मंडी के बाहर भी छोटी छोटी मंडियां लगने लगती, प्राइवेट मंडियां लगने लगती, तो मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर तो उसको परेशानी नहीं होती, उसको अनावश्यक व्यय नहीं करना पड़ता है और उसको अच्छी कीमत मिलती। और जो मांग कांग्रेस के लोग करते थे, बाकी लोग करते थे, उसी मांग को पूरा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, फिर उसमें विरोध किस बात का? अच्छा ये बताइए कि जो है इतना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसान बिल, फिर इसको किसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या बीजेपी के तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं यह किसानों को बरगला रही है उस आंदोलन में शामिल होकर, ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% सही आपने कहा, किसान बिल को में कोई कमी निकालने की बात करने की हैसियत में कोई नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आओ हमसे बात करो, किसान 5 बार 6 बार मंत्री से बात किए, किसान कृषि मंत्री से बात किए, उन्होंने कहा कि ईमानदारी से आप बताओ कौन सी कमी, हम नोट करते हैं, तुरंत लिखित वादा करते हैं। लेकिन इस प्रकार का हट कि नहीं तीनों बिल वापस लो, ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनके पीछे 2 नंबर के लोग हैं जो देश को ब्लैकमेल करते हैं, सीपीएम, सीपीआई, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, सपा, ये सारे के सारे लोग। इन लोगों को किसान बिल से दिक्कत नहीं है, इन लोगों को लगता है कि लंबे समय तक अब सत्ता का स्वाद हमको नहीं मिलेगा तो मोदी हटाओ, केवल सारा का सारा तूफान मोदी हटाने के लिए बवाल खड़ा किया गया है। देश का आम किसान इसके